नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। राज्य भर में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं अकुशल और लहरिया कट चलाने वालों के ही कारण होती है। इतना ही नहीं, बेफिक्र होकर चलने वाले ही अक्सर अपनी जद में उन लोगों को भी ले लेते हैं जो संभल कर गाड़ी चला रहे होते हैं। ऐसे में ये वाहन चालक खुद तो सिर पर कफन बांध कर चलते ही है, साथ ही दूसरों की जिंदगी की अहमियत भी नहीं समझते। यही कारण भी है कि बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। इसी पर नियंत्रण लाने के लिए बिहार की नीतीश सरकार अब खास पहल करने जा रही है, जिसके तहत ही अब ऐसे चालकों पर जुर्माना लगाने और पकड़ने के लिए जिलों में स्पेशल मोबाइल टीम का गठन होने वाला है। इसको लेकर विभाग ने तैयारी भी तेज कर दी है। इसको लेकर हाल ही में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी। इसी बैठक में जिलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी, जिसके बाद ही अब ये निर्णय लिया गया है कि जिलों में डीटीओ के नेतृत्व में स्पेशल टीम काम करने वाली है, जिससे ऐसे चालकों पर नियमित कार्रवाई होती रहेगी। इस टीम में नव नियुक्त चलंत दस्ता के सिपाही रहेंगे और इनके सहयोग से परिवहन विभाग पहली बार खुद ऐसी गाड़ियों को पकड़ने में कामयाब होने वाला है। इसको लेकर ही विभाग ने सभी जिलों को निर्देश भी दे दिया है कि तेज रफ्तार की गाड़ियों पर निगरानी बढ़ाई जाए और खासकर NHSH पर स्पीड गन के साथ अधिकारियों की तैनाती की जाए। अधिकारी इन गाड़ियों पर तुरंत ही जुर्माना लगाने का काम करेंगे। इसके साथ ही अब सभी हाईवे पर गति सीमा से अधिक तेज गाड़ी चालकों पर तुरंत ही जुर्माना लगाएं और जहां गति सीमा को लेकर बोर्ड नहीं लगा हो वहां पर तुरंत बोर्ड लगाया जाए, जिससे चालकों को गति सीमा का अंदाजा भी हो। इसके साथ ही अब आने वाले समय में बिहार में सड़कों के ब्लैक स्पॉट को तुरंत ही खोजा जा सकेगा। इसको लेकर सड़क किनारे की लाइटिंग को दुरुस्त रखने का काम भी किया जाएगा। इसके लिए निगरानी भी बढ़ा दी गई है। अब देर रात में चलंत टीम को लगाया गया है, जिससे उन लोगों को खासकर पकड़ा जा सकेगा जो ओवरटेक करते हैं या तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। साथ ही घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को विभाग पुरस्कृत भी करने वाली है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कानूनी पचड़े में नहीं फंसने के लिए घायलों को अस्पताल पहुंचाने से लोग कतराते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। परिवहन विभाग की यही कोशिश है कि घायलों को समय पर अस्पताल में पहुंचाया जा सके। यही कारण भी है कि किसी भी तरह के सड़क दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर बेहद ही अहम होता है, जिसमें अगर मरीज अस्पताल पहुंच जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। सड़क दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने को लेकर ही परिवहन विभाग तेजी से काम कर रहा है। विभाग स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सड़क नेटवर्क के आसपास एम्बुलेंस, चलंत मोबाइल क्लिनिक की व्यवस्था कर रही है। जानकारी के मुताबिक NHSH के आसपास 98 अस्पतालों को चिन्हित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है, जिसके बाद ही अब उम्मीद है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और हर साल इससे जान गंवाने वालों की संख्या भी कम होगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।